गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास. टुडे वी विल स्टडी लेसन टू इन इंग्लिश. नेहाज अलार्म क्लॉक. यहाँ पर एक गर्ल है, ठीक है, उसका नाम है नेहा, ठीक है. और उसके जो अलार्म क्लॉक यानी कि घड़ी में जो अलार्म लगा हुआ है वह बजता है जैसे बार बार मॉर्निंग में, तो उसको डिस्टर्ब लगता है. बोलती है कि ये जो क्लॉक है रोज़ रोज़ मुझे जगा देती है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है. चलिए हम रीड करते हैं. नेहा अलार्म क्लॉक, यानी कि नेहा की जो घड़ी है उसका अलार्म जो बजता है, ठीक है, कि हम अलार्म लगाते हैं ना उसमें, उसी के बारे में यहाँ पर हम रीड करेंगे. ओके. नरेटर, नरेटर कौन है जो हमें स्टोरी बता रहा है, ठीक है, कथावाचक बोल सकते हैं, ठीक है, या वाचक बोल सकते हैं, नरेटर. ओके. रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग. नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो. मीन्स कि जो क्लॉक है वह रिंग रिंग बजती है. ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक, कब? 6 o'clock मॉर्निंग में, ठीक है, 6 बजे बोलती है. नेहा में एक नेहा जो है अपना जो फेस है उसको कवर कर रही है और ईयर्स को भी कवर कर रही है, किससे? अपने पिलो से. और स्नगल्स अंडर द वॉर्म ब्लैंकेट, और जो कंबल की गर्माहट के अंदर वह फिर से छुप जाती है या लेट जाती है, ठीक है. बट सी नोज सी हैज टू गेट अप. सी मैटर्स टू हर सेल्फ. मटर्स मीन वह अपने आप से कहती है कि चाहे मैं कितना भी अपने ईयर्स को या फिर अपने फेस को कवर कर लूं, बट उठना तो पड़ेगा ही, उठना तो है ही. ओके ओके. नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. इट्स सो अनफेयर. मीन्स नेहा कहती है जो ये अलार्म क्लॉक है ये मेरे को हमेशा 6 o'clock क्या करती है, पुल्स मी आउट, मतलब बेड से उठने के लिए कहती है, ठीक है. यह बहुत गलत है, अनफेयर है, यह अच्छा नहीं है, ठीक है. ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स. वो बोल रही है आई वुड लव टू स्लीप, लाइक मैं थोड़ी सुबह देर तक सोना चाहती हूँ. आई विश, मेरी विश है कि जो क्लॉक है वह क्या हो जाए, अपना जॉब भूल जाए, ठीक है. मीन्स अपना काम वो भूल जाए, बजना वह भूल जाए, तो कैसा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं थोड़ा और लॉन्गर सो सकती हूँ, और देर तक स्लीप कर सकती हूँ, ठीक है. नरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स. क्या होता है, कुछ चीज़ गिरती है, ठीक है, और नेहा स्माइल करती है. नेहा, ओ माय क्लॉक हैज फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम. टुमारो आई गेट अप लेट. क्या होता है, जो नेहा की क्लॉक होती है वह गिर जाती है और वह बहुत हैप्पी होती है कि कल मैं लेट से उठ सकती हूँ. अब ये घड़ी तो गिर गई है, ठीक है, अलार्म कैसे देगी, तो अब मैं कल लेट से उठ सकती हूँ. नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, सो नेहा स्लीप एंड स्लीप द स्मॉल चिरपी बर्ड्स. क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा क्या करती है, सोती रहती है, ठीक है. बट क्या होता है, जो स्मॉल चिरपी बर्ड्स यानी कि जो बर्ड्स चर्प कर रहे थे यानी कि चहचहा रहे थे, वह उनकी उसकी आवाज़ से वह उठ जाती है, ठीक है. विच कम टू द विंडो स्टिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग. क्या होता है, जब नेहा उठती है, ठीक है,
विंडो में, जो विंडो की सिल है यानी कि जो विंडो का जो छोटा सा जो हिस्सा होता है वहाँ पर क्या होती है, जो बर्ड्स होती है वह चहचहा रही होती है। ठीक है, बर्ड्स क्या कह रही है, देखो बर्ड्स वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। अब उसको नेहा को बर्ड्स उठाने आ गई, वेक अप प्रिय या वेक अप प्यारे नेहा, उठ जाइए, वेक अप फास्ट, जल्दी से उठिए। नरेटर नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, और नेहा जगने के लिए उठने के लिए शुरुआत करती है, उठने की शुरुआत करती है। नेहा ओ नो इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। वो कह रही है कि यह तो अलार्म क्लॉक नहीं है, यह क्या है, बर्ड्स हैं। ठीक है, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन, वह मेरे को छोड़ के अकेले क्यों नहीं चले जाते, मेरे को अकेले क्यों नहीं छोड़ देते। नरेटर इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू, और नेहा की यह भी विश पूरी हो जाती है। ठीक है, पहले वो नेहा चाहती है कि जो क्लॉक है वह क्या हो जाए, बजना बंद कर दे, है ना, वह अपना अलार्म बंद कर दे, और अब वह चाहती है कि जो बर्ड्स ये चर्पिंग करते हैं और मुझे उठा रहे हैं मॉर्निंग में, ये भी मुझे अकेले छोड़कर चले जाएं, और वह उसकी यह विश भी पूरी हो जाती है, यह वाली इच्छा भी उसकी पूरी हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक देयर आर नो बर्ड्स आइदर, और अगले मॉर्निंग क्या होता है, ना तो वहाँ पर कोई अलार्म क्लॉक होता है, ना ही वहाँ पर कोई बर्ड्स होती है। ओके, बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस, कैन यू गेस हु इज इट। बट कोई है जो चाहता है कि नेहा अपनी स्कूल की बस मिस ना कर सके, कैन यू गेस हु इज इट, द विग ब्राइट सन। ही फील्स नेहाज रूम विद अ वॉर्म स्माइल, मीन्स अब ना तो बर्ड्स है ना अलार्म क्लॉक है, बट वहाँ पर क्या है, बिग ब्राइट सन, एक चमकदार सन, यानी कि सूरज की क्या होती है वहाँ पर, रोशनी आती है उसके रूम में आती है। ठीक है, और एक वार्म स्माइल के साथ आती है, गर्म यानी कि अच्छी सी स्माइल के साथ। नेहा ओ माय आईज नॉट नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी, मीन्स ओ माय आईज, जो उसकी आईज है वह जो सन की जो रेज आ रही है इनकी किरण आ रही है या शाइनिंग आ रही है, वह उसके आईज में क्या कर रही है, लग रही है ना, इरिटेट कर रही है। ठीक है, नेहा को क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है, क्योंकि आँख में अगर मॉर्निंग में हम उठते हैं आँख में एकदम से लाइट पड़ेगी तो हमें इरिटेशन होती है। ठीक है, तो वह कह रही है वाई कांट बी ही लेट मी बी, वह यह भी क्यों नहीं चली जाती है, ये भी क्यों मेरे को उठाने आई सन। ठीक है, नरेटर इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू, यहाँ तक कि नेहा की ये वाली विश भी पूरी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड, सो नेहा स्नोर्स टिल सी हियर्स हर मदर्स वॉइस। क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग ये वाली विश भी उसकी पूरी हो जाती है, ये वाली इच्छा भी नेहा की पूरी हो जाती है, और वह सन भी कहाँ छुप जाता है, बिहाइंड द क्लाउड्स, यानी कि क्लाउड मीन बादलों के पीछे छिप जाता है। ठीक है, सो नेहा स्नोर टिल सी हियर हर मदर्स वॉइस, और नेहा स्नोर्स मीन खर्राटे लेना। ठीक है, जब तक उसकी मम्मा की आवाज़ नहीं आती है वह स्नोर करती रहती है। मदर वेक अप स्लीपी हेड यू विल मिस द बस, नेहा की मदर कहती हैं उठ जाओ अब स्कूल की बस मिस मत करना। ठीक है, अगर आप सोती रह जाओगे तो बस मिस हो जाएगी। ओके,
नेक्स्ट नेहा, ओ नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक अप मी। अब वो कह रही है ओ नो, अब क्या मदर ने मेरे को क्यों उठाया, है ना, मैं और सोना चाहती थी, मदर ने मेरे को क्यों उठाया। नरेटर, देयर इज नो एस्केप नाउ, नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे, क्या हुआ उस दिन, नेहा उठी अपने स्कूल के रेडी हुई स्कूल के लिए, ठीक है, बट नेक्स्ट डे कैन यू इमेजिन क्या हुआ था, ठीक है, नेहा वेक अप, नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock, सी कॉल्स आउट टू हर मदर। अगले दिन क्या हुआ, वो 6 o'clock उठ गई, अपने आप उठ गई, ओके नेहा, माँ हु वेक अप मी टुडे, कहती है माँ आज मुझे किसने उठाया। नरेटर, मदर स्माइल, और उनकी मम्मा स्माइल करती है। मदर, हु एल्स यू, ऑफ कोर्स, उनकी मम्मा कहती और कौन, यू, अपने यू मतलब तुम हो, और किसी ने नहीं उठाया आपको। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, वो बोल रही है कि मैं तो सो रही थी, बट यह कैसे, है ना। मदर, नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 p.m. अब उनकी मम्मा कह रही है कि आपको यह कैसे पता चल जाता है कि आपको लंच करना है, एवरी डे आफ्टरनून में आपको कैसे पता चल जाता है कि आपको लंच करना है, आफ्टरनून मीन दोपहर में, ठीक है, या जिस टाइम भी हमें खाना खाना होता है तो हमें अपने आप पता चल जाता है ना कि अब हमें क्या हो रहा है, हंग्री फीलिंग हो रही है ना, भूख लग रही है ना। नेहा कह रही है कि आई फील हंग्री, यानी कि मुझे भूख लगी, है ना, हमें उस टाइम पे भूख लग जाती है ना जिस टाइम पर हम लंच करते हैं या डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डेली का फिक्स टाइम होता है, हमें उस टाइम अपने आप भूख लग जाती है, हंग्री मीन भूख लगना। मदर, व्हाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी डे नाइट, अब उनकी मदर कह रही है क्यों तुम रोज रात को 9 p.m. सो जाती हो, यानी कि 9 p.m. सो जाती हो। नेहा कह रही है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मेरे को नींद आती है उस टाइम, है ना। मदर, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू when to eat, when to sleep and when to wake up। मदर कह रही है कि हमारे अंदर भी एक क्लॉक मीन घड़ी होती है ना, जो हमें अपने आप बता देती है कि when to eat, यानी कि हमें कब खाना है, कब स्लीप करना है और कब जागना है। नेहा, ओ आई बेटर रस नाउ, बोलिए हाँ आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, ठीक है, अब उसको समझ आ गया, कह रही है आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, अब मैं बस को मिस नहीं करना चाहती। मदर, रिलैक्स टुडे इज संडे, ओ नहीं कह रही है, ओ मुझे उसको पता नहीं चला कि आज संडे, बट मदर कह रही है आराम से, रिलैक्स मीन आराम से, टुडे इज संडे, आज संडे का दिन है, ओके। आप सबको अच्छी लगी स्टोरी, आप सबने अच्छे से इसको रीड करना है, ओके, थैंक यू।